उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर गदरपुर दिनेशपुर में एक युवक को अपने सोशल मीडिया पर ज्यादा व्यूज पाने की ललक ने युवक को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। जहां एक युवक को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अवैध तमंचे से फायरिंग कर प्रदर्शन करना इतना भारी पड़ गया कि जिसका खामियाजा जेल जाकर भुगतना पड़ा है। पुलिस ने आरोपी युवक की तलाश कर अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। साथ में पुलिस ने संदेश दिया, जो भी इस तरह की दहशत फैलाने की कोशिश करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि ऊधम सिंह नगर में जहां बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बदमाश दिन दहाड़े फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद SSP ऊधम सिंह नगर द्वारा असामाजिक तत्वों, उपद्रवों व अवैध कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के क्रम में रुद्रपुर सोशल मीडिया स्टेटस व तमंचे के वायरल फोटो के आधार पर मुखबिर की सूचना पर सूरज गायन पुत्र जयदेव गायन सुंदरपुर दिनेशपुर को एक तमंचा 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया है। बेसिकली सोशल मीडिया पे लगातार हम लोगों का सर्विलेंस बना रहता है, और कोई भी इलीगल एक्ट या इलीगल वेपन के साथ यदि कोई सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट शेयर करता है तो उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करते हैं। इसी क्रम में एक सूचना हमें मिली थी दिनेशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत, तो हम लोगों ने उसमें जो मुलजिम है उसको अरेस्ट कर लिया, उससे इलीगल वेपन भी हम लोगों ने बरामद किया है और साथ में उस पर आर्म्स एक्ट के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की गई है। और इसमें मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि सोशल मीडिया पे यदि कोई भी इलीगल एक्ट करते हुए या उसका एक्ट का वीडियो उसको पोस्ट करेगा तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसे पुलिस ने उन्होंने फायर किया है, क्या कुछ बताया था? बेसिकली वेपन के सोर्स की हम लोग उसमें जानकारी कर रहे हैं कि कहां से उसने वो वेपन सोर्स किया, और बाकी रीजन जो उसके द्वारा बताया गया वो बेसिकली अपने फॉलोअर्स और लाइक्स उसमें बढ़ाना था, और जो कि बिल्कुल ही गलत है कि किसी भी प्रकार का इलीगल एक्ट ना तो आप करिए और नहीं उसको सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, क्योंकि इस मामले में पुलिस बहुत कड़ी कार्रवाई करती है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।